हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद श्रीधरम रिपब्लिक आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा सब्जेक्ट है साइंटिक, और साइंटिक के लिए आकांक्षा मैडम आप लोग का क्लास लेंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, बायो फर्टिलाइजर, बायोटेक्नोलॉजी के तहत बायो फर्टिलाइजर या फिर ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी को मैडम पढ़ाएंगे। मैडम के बारे में एक दो सेंटेंस कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और साइंस टेक में इनकी काफ़ी अच्छी स्पेशलाइजेशन है। तो आइए आप सभी मैडम के साथ कॉपरेट भी करेंगे और कॉपरेट करेंगे और आप लोग साइंस टेक पर टॉपिक पर। ओके, हाँ ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं रिपब्लिक आईएएस के तहत बायोटेक्नोलॉजी। उसमें हमारा एक अलग पार्ट्स है बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर को हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि बायोफर्टिलाइजर क्यों ज़रूरी है, आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने इसमें देखा है कि आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम देखेंगे कि इंडिया में जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जब हम भारत आज़ाद देश हुआ, तो हरित क्रांति की ज़रूरत पड़ी। हरित क्रांति की ज़रूरत पड़ी तो 1967 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। और ये शुरुआत बड़े पैमाने पे हमें खाद्य जितना भी संकट था इसे हमें बहुत मदद मिली खाद्य संकट से। और इस कारण से हमें हरित क्रांति की हमें शुरुआत 1966 से 67 में हो गया। इसी वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं वो लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो ये जय जवान जय किसान में ये हम बड़े पैमाने पे खाद्य संकट से उबर गए थे और हरित क्रांति हुई थी। तो इसी तरह से हम लोग का ये हरित क्रांति प्रथम की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति फर्स्ट की शुरुआत हुई। और ये बड़े पैमाने पे हमें गेहूं, चावल और जितने भी खाद्यान्न हैं संकट से हम उबर पाए। इस कारण से इसके तीन कारण थे क्यों हरित क्रांति प्रथम में हम उबर पाए। इसका तीन कारण था हाइब्रिड बीज के कारण, हाई यील्ड सीड्स के कारण, और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर के कारण। केमिकल फर्टिलाइजर और हाइब्रिड सीड्स के कारण और अच्छी सिंचाई, ये हमारा तीन मेन यंत्र था जिसके कारण अच्छी सिंचाई, तीन ऐसा यंत्र था जिसके कारण हम हरित क्रांति प्रथम में हम खाद्य संकट से उबर पाए, जिसमें कि हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा योगदान था। इसके कारण हम प्रथम में ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बरौनी में, जो हमारा बिहार में ही है, बरौनी में जो है हमारा रिफाइनरी हुआ। वहाँ पे रिफाइनरी के बगल में ही हम उसका बाई प्रोडक्ट यूज करते हैं जैव उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर, उसने हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया। और बड़े पैमाने पे इसका दुष्परिणाम भी हुआ। क्या हुआ कि जो हमारा पश्चिमी भारत में जहाँ पंजाब है, हरियाणा है, इन सब में और गुजरात वगैरह, राजस्थान वगैरह, इसमें हरित क्रांति प्रथम बहुत अच्छे से आई, जिनमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर और पूर्वी भारत में हरित क्रांति से हम वंचित रह गए। जिस कारण से हम पूर्वी भारत में हरित क्रांति से वंचित रह जाने के कारण हमने इस पर बाद में ध्यान दिया। तो इस तरह से जो है हरित क्रांति प्रथम में बड़े पैमाने पर केमिकल यूज हुआ। हमने इसमें पढ़ा कि आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बड़े पैमाने पर केमिकल फर्टिलाइजर यूज हुआ, जिससे हम लोग का जो है मृदा की उर्वरा शक्ति घटने लगी, बहुत ज़्यादा घटने लगी, और हमें बहुत सारे बीमारी होने लगे। जैसे किस प्रकार से हमें केमिकल यूज करने से हमें कैंसर, भारत में कैंसर रोगों की बहुत ज़्यादा होने लगे, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर पे एक प्रश्न चिन्ह रह गया कि इतना ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो इंडिया में बहुत मात्रा में कैंसर, ये सब बीमारियाँ हो जा रही है और बहुत सारे रोग हो जा रहे हैं, असाध्य रोग हो जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्या हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग जाकर यहाँ पर 2007 से लेकर 2012 तक
हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति 2 के लिए नींव डाला। दो हरित क्रांति 2 में हमने क्या किया, इसमें हमने बायो फर्टिलाइजर का मैक्सिमम यूज किया। तो बायो फर्टिलाइजर का हमने इसमें जैव उर्वरक, जिसको कहते हैं जैव उर्वरक का यूज किया। और पंचवर्षीय 11वीं पंचवर्षीय योजना में जैव, जैसे क्वेश्चन आया कि कौन से पंचवर्षीय योजना में जैव उर्वरक का सबसे ज़्यादा मतलब नींव डाला गया जब शुरुआत की गई, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा शुरुआत की गई। तो उसमें उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने लगी भारत सरकार द्वारा, जैव उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी देने लगे। और इसमें सिक्किम जो है हमारा भारत का प्रथम राज्य है सिक्किम, जिसमें कि जैव उर्वरक 100% है। इधर लिख देते हैं 100% जो है 100% जैव उर्वरक कहाँ किया गया, जैव उर्वरक सिक्किम ऐसा राज्य है जहाँ जैव उर्वरक 100% किया गया, यानी पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत में हमारा जैव उर्वरक का एक कॉरिडोर बनने लगा, और हम इसको पूर्वी भारत को, जो पश्चिमी भारत में हमने जो कमी की थी कि बड़े पैमाने पे फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे, उसको कम करते हुए पूर्वी भारत के मृदा को बचाना चाह रहे थे, संरक्षण देना चाह रहे थे। और पूर्वी भारत में जितने भी, जैसे बिहार हो गया झारखंड हो गया, इस तरह से बंगाल वगैरह में, इस समय पूर्वी भारत में जैव उर्वरक को बढ़ावा देने लगा। बिहार सरकार ने भी इसको बहुत बढ़ावा दिया है। ठीक है, अब हम इस कारण से हमें आवश्यकता पड़ी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में हम बायो फर्टिलाइजर का यूज कर सकें ज़्यादा मात्रा में, जिससे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सब पे हम बढ़ावा दे सकें। और ये बहुत ही अच्छा रहता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम आगे पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या है, रसायन उर्वरक से बेहतर किस प्रकार से ये बेहतर है, तो इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, इसका परिभाषा क्या है, जैव उर्वरक इसकी परिभाषा को कैसे परिभाषित हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे कि जैव उर्वरक उसको कहेंगे जिसमें जीवों का प्रयोग हो। जीव कितने होते हैं, बैक्टीरिया भी जीव होते हैं, फंजाई भी जीव होते हैं, और क्या होते हैं, एनिमल भी जीव होते हैं, पौधा भी जीव होते हैं, इस तरह से शैवाल भी जीव होते हैं। तो पांचों प्रकार के जीव जो हैं, जो हम लोग को वर्गीकरण किया गया है, जीव कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के, पांचों प्रकार में ये जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से ये पांचों प्रकार से जैव उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट में है एल्गी, जिसको कहते हैं शैवाल। शैवाल फर्स्ट शैवाल जो है होता है, जो शैवाल किसको कहते हैं कि वैसे पौधे जो एक कोशिकीय हो और वो क्या करे, फोटोसिंथेसिस करे, प्रकाश संश्लेषण करे, उसको शैवाल कहते हैं। तो प्रथम प्रकाश संश्लेषण करने वाला वैसा कौन सा पौधा था, तो प्रथम ब्लू ग्रीन एल्गी का था, बीजीय जिसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी बड़े पैमाने पर प्रोटीन का स्रोत होते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो समुद्र में पाए जाते हैं। और एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, इस तरह से एक कोशिकीय जो होते हैं बीजीय समुद्री प्रोटीन होते हैं ये, और बड़े पैमाने पे नाइट्रोजन को अंदर अपने रखते हैं। तो इस तरह से ये समुद्र कितना है हमारे पास, तो 70% भाग पे समुद्र है, यानी कि हमारे पास बीजीय की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और समुद्र से निकाल निकाल के हम लोग इसको खेतों में इसको प्रयोग करते हैं, खेतों में छींट देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करके ये नाइट्रोजन का काम करता है। और इस प्रकार से हम लोग ये जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सभी का क्या स्रोत है कि हमारे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती जाए। और हम लोग जो नाइट्रोजन इसलिए, क्योंकि जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर में होते कहते हैं एनपीके, तो एनपीके में क्या है, ये एन नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन शैवाल से हम लोग को मिल गया। तो हम लोग को अच्छा है कि ये जैव उर्वरक के रूप में मिलता रहे, केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में नहीं, क्योंकि हमने देखा कि अभी केमिकल फर्टिलाइजर में क्या है, हमारी बहुत सारी कमियां आई, कैंसर जैसे बड़े बड़े असाध्य रोग हुए, इस कारण से हमने बायो फर्टिलाइजर पे जोर देने लगे। एक बीजीय हो गया जो शैवाल हो गया। दूसरा हम लोग अभी पढ़ेंगे कि एजोटोबैक्टर, हम बैक्टीरिया पढ़ेंगे, शैवाल हो गया, उसके बाद हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक हो जाएगा एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या करता है, एजोटोबैक्टर वगैरह क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या काम करता है, राइजोबियम काम करता है। तो ये दूसरा क्या है, राइजोबियम, राइजोबियम दोनों क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, नाइट्रोजन
फिक्सेशन में काम होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया और एजोटोबैक्टर काम करता है। जो एयरिक नाइट्रोजन जो होते हैं उसको मृदा में भी एयरिक नाइट्रोजन होते हैं, एयर के रूप में है, उसको सॉलिड के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जिससे पौधा उस नाइट्रोजन को ले सके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम अलग से हमें मतलब खरीदना नहीं पड़ा, क्या हमें नहीं खरीदना पड़ा, हमारा फर्टिलाइजर जो है केमिकल फर्टिलाइजर वो हमें नहीं खरीदना पड़ा, हमारा नाइट्रोजन जो एयर में था उसको हमने फिक्स कर दिया किसके माध्यम से, राइजोबियम के माध्यम से, एजोटोबैक्टर के माध्यम से। इस कारण से ये सब क्या हो गया, ये सब जैव उर्वरक का ही पार्ट हो गया, शैवाल हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तीसरा हमारा है फंजाई, फंजाई जिसको कवक कहते हैं, तो कवक है, तो कवक कौन सा कवक है जो बायोफर्टिलाइजर कहलाएगा, तो माइकोराइजा, जिसको क्या कहते हैं, माइकोराइजा ऐसा कवक है जो स्पंज जैसा होता है, और स्पंज जैसा होता है इसको खेतों में हम छींट सकते हैं और इससे बड़े पैमाने पे नाइट्रोजन को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं और मृदा में मिल जाता है, घुल मिल जाता है और बड़े पैमाने पे ग्रोथ हो जाता है पौधों का, और बिना केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए हुए। तो ये कवक है माइकोराइजा जिससे हम जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और चौथा हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौथा, तो एजोला हो जाएगा। एजोला क्या है, एक पौधा है, यानी ये प्लांट में आया, कवक हो गया, बैक्टीरिया शैवाल हो गया, ये प्लांट का है, प्लांट में आएगा। एजोला एक छोटा पौधा है, प्लांट है, और ये नाइट्रोजन का काम करता है, ये पूरा पौधा में ही नाइट्रोजन की बड़ी मात्रा में होती है, और इस तरह से एजोला का खेती किया जाता है। और एजोला बहुत पैमाने पर लेके उसको पैकिंग करके और उर्वरक के रूप में, जैव उर्वरक के रूप में ये बहुत प्रयोग किया जा रहा है। तो इसके लिए एजोला वगैरह के लिए सरकार सब्सिडी भी दे रही है, तो सरकार द्वारा सब्सिडी भी मिल रही है, जिस कारण से ये एजोला जो है ये नाइट्रोजन का काम करता है, नाइट्रोजन ही इसमें रहता है। इस तरह से हमारा और क्या है, एजोला हो गया, उसके बाद प्लांट हो गया, और एक पांचवा जीव कौन है, तो पांचवा जीव होता है एनिमल। तो एनिमल का कौन ऐसा है जो जैव उर्वरक का काम करता है, तो एनिमल का केचुआ ऐसा है जो जैव उर्वरक का काम करता है। तो एनिमल में आ गया, इसको पौधा में नहीं रख सकते, इसको बैक्टीरिया में नहीं रख सकते केचुआ को, ना तो इसको कवक में रख सकते, ना शैवाल में रख सकते, इसको कौन कैटेगरी में रखना होगा, एनिमल में। तो केचुआ जो है जैव उर्वरक का काम करते हैं, इसको किसान मित्र भी कहते हैं। तो किसान मित्र इसको हुआ, जैसे कहते हैं ना कि किसको किसान मित्र कहते हैं, क्यों केचुआ को, क्योंकि ये मिट्टियों में जाके इसको पूरा एयरिंग करता है, उसमें एयर भरते हैं सब में, और उसमें बड़े मात्रा में ये फर्टिलाइजर के रूप में काम आता है, इसके सर गलने से भी फर्टिलाइजर हो जाता है। तो ये सब क्या हो गया, बायो फर्टिलाइजर हुआ, और भी बायो फर्टिलाइजर है, इतना ही नहीं, ये सब जो हमारा पांच हो गया ये तो है ही, उसके बाद पौधा में और भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे नीम कोटेड यूरिया भी अब हो जा रहा है केमिकल के साथ साथ जैव भी, तो नीम कोटेड यूरिया हो जा रहा है, तो ये नीम कोटेड यूरिया इसमें यूरिया तो है केमिकल चीज़ें, लेकिन इसमें नीम का प्रयोग करके जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद है महुआ एक है, तो महुआ का जो आता है महुआ जो, उसको भी खेतों में डाल के इसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि ये मुख्य घटक, इसका परिभाषा हो गया, इसके मुख्य घटक ये सब हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 इसके मुख्य घटक हो गए। उसके बाद ये रसायन उर्वरक किस प्रकार बेहतर है, तो हम इसमें पढ़ेंगे रसायन उर्वरक से किस प्रकार बेहतर है। तो ये रसायन उर्वरक के क्या क्या दुष्परिणाम हमने देखा कि कैंसर हुआ और भी असाध्य रोग हुआ इसमें बहुत सारे। तो इस तरह से रसायन उर्वरक में बड़े पैमाने पर उपयोग है, और मृदा की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की फर्टिलिटी, वो एकदम कम हो गई, मतलब केमिकल्स डाल के हमने पश्चिमी भारत में मृदा की फर्टिलिटी रेट इतना घटा दी कि अब उसमें जो उपज होती है वो बहुत कम हो गई है। तो इस कारण से हमको बायो फर्टिलाइजर पे जोर देना पड़ा। तो ये उसके बाद ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बेकार है, स्वास्थ्य के लिए हमें बहुत सारी बीमारियां दे रहा है, डेंजरस बीमारियां दे रहा है, कैंसर जैसे बीमारियां दे रहा है। उसके अलावा इसमें स्वास्थ्य के लिए भी बेकार है, और दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर जो है मृदा के लिए बेकार है, और दूसरा जब हम केमिकल फर्टिलाइजर खेतों में डालते हैं
हैं तो क्या होता है कि उसमें से गैस निकलता है और गैस जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा है। कितने प्रकार के गैस निकलते हैं, बहुत खराब खराब गैस निकलते हैं जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और प्रदूषण भी हो रहा है। तो केमिकल फर्टिलाइजर में क्या क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर का क्या क्या हानि हुआ, प्रदूषण, प्रदूषण, उसके बाद क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, GW ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। उसके बाद इसका हुआ स्वास्थ्य के लिए खराब, स्वास्थ्य में कैंसर, कैंसर हो गया, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी, प्रदूषण के लिए भी, और मृदा का सॉइल इनफर्टिलिटी हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि रसायन उर्वरक का क्या क्या दुष्परिणाम हुआ, इसके कारण हमें जैव उर्वरक का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से रसायन उर्वरक से ज़्यादा बेहतर है और ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको बहुत बेहतर तरीके से किया गया, ठीक है। तो हमने देखा कि हरित क्रांति में भी, हरित क्रांति 2 11वीं पंचवर्षीय यानी कि हरित क्रांति 2 ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीन रिवोल्यूशन 2 में इसका बहुत सारा योगदान हुआ, ठीक है। तो जैव उर्वरक का बहुत सारा योगदान हुआ और हरित क्रांति 1 में हमने देखा कि क्या क्या दुष्परिणाम हुआ, उसको देखते हुए हरित क्रांति 2 में हमने बदलाव किया, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि इसका क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि कृषि रोड में बिहार सरकार द्वारा जैव उर्वरक के लिए क्या किया जा रहा है। तो हम देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कृषि रोड मैप के तहत बिहार सरकार द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हम इसका और इसका हम एक और पढ़ेंगे कि जैव उर्वरक से हमको क्या क्या फायदा हुआ। तो प्रदूषण कम हुआ, उसके बाद हमें ग्लोबल वार्मिंग भी कम हुआ और स्वास्थ्य बेहतर हुआ हमारा, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फूड कहते हैं ना शहरों में कि ऑर्गेनिक फूड का ज़्यादा जो सब्जी होती है ये ज़्यादा अच्छा होता है, ऑर्गेनिक फूड का जो फल होते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। विदेशों में हम लोग का आम को रोक दिया गया था, क्यों रोक दिया गया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा केमिकल्स था। इस तरह से अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत काम करेंगे, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स भी होते हैं उसके तहत काम करेंगे तो हमारे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और फूड प्रोसेसिंग में भी हमारा बहुत योगदान रहेगा और हमारे फूड प्रोसेसिंग को निर्यात किया जाएगा विदेशों में, इससे किसानों की आय दुगुनी होगी, क्योंकि 2022 तक हमारा लक्ष्य क्या है, किसानों को आय दुगुनी करना। तो इस तरह से हम लोग का निर्यात में बढ़ावा मिलेगा और यह इस तरह से हम लोग को स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और सॉइल फर्टिलिटी भी घट जो है बढ़ जाएगी, इनफर्टिलिटी घट जाएगी और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। इस तरह से हम जैव उर्वरक का फायदा देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या हमें लाभ मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से कृषि रोड मैप बिहार में जो है ना, बिहार सरकार द्वारा अभी कृषि रोड मैप क्या चल रहा है, कृषि रोड मैप 3 चल रहा है, कृषि रोड मैप 3 चल रहा है। तो बिहार सरकार द्वारा ये कदम 2 में ही उठा लिया गया था, कृषि रोड मैप 2 में ही ये कदम उठा लिया गया था बिहार सरकार द्वारा, क्या कि जैविक उर्वरक को बढ़ावा देना है, जैविक उर्वरक के लिए सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। और बिहार में कौन ऐसे से शोध केंद्र है, कृषि शोध केंद्र, तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा वाला और सबौर जो है भागलपुर का, हमारे बिहार में जो है वहाँ पे जैविक उर्वरक के लिए बहुत सारे रिसर्च किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार स्तर पर ये हमारा कृषि रोड मैप 3 में और 2 में बहुत योगदान दिया गया है और इसको किया जा रहा है। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ICAR के मतलब भारत के राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो ICAR और बार के द्वारा, IFCO भी द्वारा और क्रिफ्को द्वारा इसका योगदान किया जा रहा है। ICAR द्वारा क्या किया जा रहा है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और भी बहुत सारे एल्गी हैं उसको धान के खेत में जहाँ खूब पानी रहते हैं उसमें डाल दिया जाता है, जिससे मीथेन जो है वो कम उत्सर्जन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होती है। तो ऐसे सवाल को ICAR द्वारा बहुत सारे सवाल को इसमें प्रयोग किया जा रहा है, सवालों के प्रयोग से क्या किया जा रहा है, सवालों के प्रयोग से ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा रहा है धान के पौधा में, धान का पौधा जो होता है उसमें, तो धान की खेती में इसका प्रयोग किया जा रहा है कि मीथेन जो गैस है, तो सवाल जो है मीथेन गैस को उत्सर्जन को कम करता है, इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा। तो ICAR का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। उसके बाद है बार्क द्वारा क्या किया जा रहा है, बार्क का क्या फुल फॉर्म है, क्या है, भावा एटॉम